एवरीवन, सत श्री अकाल सारिआं नूं। तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है अज दी क्लास। अज आपां करन जा रहे हां पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड दी 6वीं क्लास दी किताब पंजाबी पुस्तक पहली भाषा ते उहदा 14वां पाठ आलोक सुखी गुआंढी दुखी ना बई ना। ते इस पाठ ते अज आपां करांगे पाठ अभ्यास। चलो शुरू करते हां। दसो, ऊड़ा आलोक इकबाल दे घर क्यों गया सी? उत्तर, आलोक इकबाल दे घर स्कूल दा काम पुछण लई गया सी। एड़ा, आलोक नू बिल्कुल कोल बैठिया किस गल दी चिंता हो रही सी? उत्तर, आलोक इत्थे आएगा आलोक नू इस गल दी चिंता हो रही सी कि इकबाल दे घर आउण तो पहला ओ अपने कमरे दी बत्ती बजाउणी भुल गया सी ते ओह जगदी रह गई सी। एड़ी, आलोक फजूल खर्ची दे नाल नाल होर केड़ियां गल्लां दा ध्यान रखदा सी? उत्तर, आलोक फजूल खर्ची दे नाल नाल दूजियां दे सुख दा ख्याल भी रखदा सी ते नाल ही अपना स्कूल दा काम पछड़न नहीं सी दिंदा। सस्सा, आलोक दे कमरे विच जगदी बत्ती कारण किस किस नूं परेशानी हुंदी सी? उत्तर आएगा, आलोक दे कमरे विच जगदी बत्ती। देखो, आपां इह कहानी विच पढ़िया सी इकबाल ते उसदी दादी दोहां नूं परेशान करदी सी। हा हा, आलोक ने अपने गुआंढियां दी परेशानी दा की हल लभ्या? आलोक ने अपने गुआंढियां दी परेशानी दूर करन लई अपने कमरे दी खिड़की मूरे पर्दा तान दित्ता तां जो उसदे कमरे दी रोशनी बाहर ना दिसे। अगला, कक्का, इस पाठ तो सानू की सिख्या मिलती है? जो आपा पाठ पढ़े की सिख्या सी? उत्तर, इस पाठ तो सानू ये सिख्या मिलती है कि सानू गुआंढियां दे सुख दा ख्याल रखना चाहिदा है, फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिदी ते स्कूल दा काम भी पछड़न नहीं देना चाहिदा। दूजा सवाल, हेठ लिखे शब्दों नूं वाकां विच वरतो। मैं ए तां यूज कीते कीते ने वाकां विच, इस तों इलावा होर शब्द भी जोड़े ने। चलो शुरू करते हां। सब तों पहला, इशारा मतलब संकेत। जदों तूं मीटिंग विचों उठना होवे मैनूं इशारा कर देवीं। मंजिल, मिथ्या उद्देश, मेहनत करोगे तां तुहानूं मंजिल जरूर प्राप्त होवेगी। रोशनी दा मतलब चानण, बल्ब जगण नाल सारे कमरे विच रोशनी फैल गई। परेशान दा मतलब दुखी, मैं तेरे वतीरे तो बहुत परेशान हाँ। नुकसान दा मतलब हानि, दंगियां कारण लोका दा बहुत सारा जानी ते माली नुकसान होया। अगे, प्रबंध, इंतजाम, मेले विच पुलिस दा प्रबंध सलाहन योग सी। जमाती मतलब सहपाठी, आलोक ते इकबाल जमाती सन। फजूल खर्ची दा मतलब जिस खर्च दा कोई लाभ ना होवे, सानू किसे प्रकार दी भी फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिदी। चिंता दा मतलब फिकर, चिंता चिता इत्थे या इत्थे आएगा चिंता चिता बराबर हुंदी है, इस तो बच के रहना चाहिदा है, मतलब दुखी दिंदी है चिंता। ठीक है बेटा, अगे चलते हैं। हेठ लिखे शब्द किसने किसनू कहे आपां इह दसना हैगा। शुरू करते हैं। सब तो पहला, उड़ा, आपने गल्लां करन नाल दादी जी दी नींद खराब तां नहीं हुंदी? इह गल कही सी आलोक ने इकबाल नूं। दूजी गल, ओहो मैं तां अपने कमरे दी बत्ती जगदी छड आया, इह गल भी कही सी आलोक ने इकबाल नूं। ईड़ी, नुकसान कादा दादी जी, मैं कोई होर प्रबंध कर लेना सी, ते ए गल कही सी आलोक ने इकबाल दी दादी नू, ते आपा कहांगे ए वाला आंसर आएगा, आलोक ने इत्थे आ जाएगा इकबाल दे दादी जी नू कही सी। ठीक है, अगे चलदे हां। इत्थे दित्ती हुई है सानू व्याकरण, ए पैरा दित्ता हुआ है। एक दिन आलोक नू हल्का जिहा बुखार चढ़ गया, ओने स्कूलों छुट्टी ले ली। ओ जिस दिन भी छुट्टी लेंदा शाम नू इकबाल कोले जा अगले दिन किसे जमाती कोलों स्कूलों मिलिया काम पूछ लेंदा। ओहो
ਸਕੂਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਚੜ ਗਿਆ, ਲੈ ਲਈ, ਲੈਂਦਾ, ਮਿਲਿਆ, ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ, ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਤਰ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।